स्टीवर्ट। बिहार सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें एक कार्यक्रम गोद भराई का भी है, और गोद भराई कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा और विकास करने के साथ महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण के प्रति भी जागरूक करने के उद्देश्य से भोजपुर की कई पंचायतों में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं का गोद भरा गया। कन्या मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा ये किया गया। रामापुर सरदिया के 92 नंबर केंद्र पर इस प्रकार की गोद भराई कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में गर्भवती महिलाओं को गोद भरने के रस्म पूरा किया गया। कोई ताकि मतलब कि दिक्कत ना हो, समय समय पर आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन करा दो। आंगनबाड़ी में टीका हर महीने में टीकाकरण होते का, हर महीने में टीकाकरण अपन निश्चित से मतलब कि ले ला लो। लेला के बाद में मतलब खान पान में अपन सही सुरक्षा रखे के चाहिए। हरा भरा साग सब्जी फल फूल आ दूध आयरन कोशिश करना चाहिए। अच्छा, डिलीवरी के समय में जैसे कि बच्चा मतलब पूरा हो गई कोई भी दिक्कत हो गया तो सरकारी केंद्र पर या कोई भी जॉब मतलब डॉक्टर होके वहाँ जा करके अपना लोग मतलब कि देखने हो कि हमारा कम दिक्कत मत हो कोई कष्ट मत हो। तो मुफस्सिल थाना अंतर्गत जमीरा में आपसी विवाद जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष में हुई गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए,
जिनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि बेहतर चिकित्सा के लिए एक व्यक्ति को पटना भेजने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पानी लगाओ, एक आदमी बीपी नाप करके पानी लगाओ। मारपीट हुई, कहाँ जा रहे थे आप लोग? तो हम लोग आ रहे थे बाइक से, खुद में मुखिया जी का तारीख था,
तो वहाँ देखे कि बहुत भीड़ लगी हुई है, तो हम लोग का मौजूद पड़ता है आहार एक है, मेन पनीबा वही है। तो हम लोग आ रहे थे तो मुख्य अधिकारी रुके, हम ही जाकर के पहले बोले कि ये हम लोग का आहार है, आप लोग बांध क्यों दिए, पनीबा बंद हो गया तो कम से कम दो भूमा डाल दीजिए या पुल बांध दीजिए। तो इसी पर बात बढ़ने लगी तो मुझे भी बोले कि इसको हटा लीजिए, लोग बोला कि हम नहीं हटाएंगे, पूरा गोली भी चलेगी और लाश भी जाएगी तब पर भी ये नहीं हटेगी। बात बाकी थे वो लोग हम लोग आपको भी चोटें आई है? हाँ हमको भी चोटें आई है। कहाँ चोट आई? मुखिया जी को भी चोट आई है? हाँ मुखिया जी को भी चोट। क्या नाम है मुखिया जी, कहाँ के मुखिया है? अलीपुर हसनपुरा पंचायत। चंद्र कुमार सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह। कहाँ कराने वाले हैं? अलीपुर। अलीपुर के जी सर, इन दो लोगों को गोली लगी, क्या मामला है सर, क्या स्थिति है? मामला तो हम बता नहीं पाएंगे, तो पुलिस का है या आपका फील्ड है। अब ये बता सकते हैं कि एक राजीव, पहले सबसे पहले राजीव आया 12:10 पे, वो फायर आर्म में इंजुरी था, राइट साइड में उसको फ्रंट से गोली लगी है और उसके बैक में सुपरफिशियल लगता हुआ निकल गया है। और दूसरा लड़का वो सीरियस है, जिसको धुनमुन कुमार सिंह, तो धुनमुन कुमार सिंह वो सीरियस है, उसको सुपरा पे भी, जिसको आप कहते हैं पेशाब का जो रास्ता ऊपर में यहाँ पे पेट के पे नीचे साइड में, वहाँ पे गोली लगी है, डीप है, वो काफ़ी डीप है। क्या स्थिति है अभी सर? जो सेकंड जो है धुनमुन, वो सीरियस है और उसको हम पटना भेज रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? डॉक्टर अरुण कुमार, सर्जन। गोली लगी है, अभी ये संज्ञान में आया है मामला, कि एक ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था, उसमें गोली चली है, अभी तत्काल में उनके इलाज के लिए भेज दिया गया और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शक। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्यों पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा, संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789, मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझा ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत, इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर, मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ
शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के ज्वेलर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के ज्वेलरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय। निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति के विरोध में एक प्रदर्शन किया और पुतला दहन भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कुलपति की रवैया छात्र छात्राओं के प्रति सही नहीं है और इसमें सुधार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कुलपति गो पे, गो पे, गो पे, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 कुलपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कुलपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 बोलो बोलो भारत माता की जय। विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित तमाम छात्र भाइयों को, पढ़ियों को और यहाँ के कर्मचारियों को और अधिकारियों को, जिस तरह से कुलपति महोदय ने आने के बाद पैसों का बंदरबांट किया है और परीक्षा विभाग को अपने हाथों में लेकर परीक्षा सीधे साधे परीक्षा नियंत्रक को अपनी उंगलियों पर नचाने का काम किया है और उनकी हिटलरशाही नीति के चलते जब छात्र कर्मचारियों का आंदोलन था तो उन्होंने तमाम महाविद्यालयों में जहाँ पे 10+2 की पढ़ाई होती है वहाँ पे इन्होंने एग्जाम कराने का काम किया और उसका नतीजा यह हुआ कि किसी भी जगह से टीआर नहीं लाया गया
और जिसे आज भी विश्वविद्यालय के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले पठठोट की कॉपी मुजफ्फरपुर भागलपुर ये जहाँ कहीं भी जाती थी स्थापना काल से वहाँ पे सही समय पे रिजल्ट आता था, लेकिन आज सच्चाई है कि बिरकुवर सिंह का एक भी छात्र बैक्टीरी का पास करने के बाद कुलपति हाय 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 मनमानी नहीं चलेगी भारत माता की जय वंदे मातरम। कुलपति एक काम करो थोड़ी बहन का दान करो कुलपति इस्तीफा दो इस्तीफा दो विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 कुलपति हाय 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 कुलपति होश में आओ होश में आओ होश में आओ कुलपति इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो कुलपति एक काम करो काम पहन करो कुलपति गो पे गो पे गो पे कुलपति गो पे गो पे गो पे। छात्रों की राशि को जो गलत तरीके से बंदरबांट किया जा रहा है और बिरकुवर सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग से जो लंगा खेल खेल रहे हमारे कुलपति महोदय उसके लिए ये पुतला दहन। एक तरफ वो कहते हैं कि हम गोपनीयता का सही ध्यान रखते हैं, वही कुलपति महोदय अपने मनचाहे अधिकारियों के साथ जहाँ पे नूडल सेंटर बना के कॉपी रखी गई है वहाँ पे जाके सेव और रसगुल्ले खाने का काम कर रहे हैं, तो कैसी गोपनीयता है। इनकी मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि जिसको जहाँ से चाहते हैं जिस पद से चाहते हैं उसको हटाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा किसी कुलपति महोदय ने बिरकुवर सिंह के इतिहास में नहीं हुआ है कि आपके जो कलिंग है जो आपके हितैषी है उसको आप हटाने का काम करिएगा। आज परीक्षा विभाग का एग्जाम लिए हुए 15 अक्टूबर 18 में इनका एग्जाम हुआ पठठ का, आज लगभग 4 महीने हो गए हैं और विश्वविद्यालय अधिनियम कहता है कि आप 60 दिन के अंदर कॉपी देने का कार्य करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और लड़के को बलगराने का छात्रों को बलगराने में इनसे तो कोई सीखना चाहिए। इन्होंने ऐसा टीयर बनाया है कि पूरे भारत के इतिहास में ऐसा टीयर बना ही नहीं होगा। पठठ का टीयर में तीनों सालों का रिजल्ट होता है पट वन पट टू पठठ, लेकिन इनके टीयर में मात्र 1 साल का रिजल्ट दिया गया है। और कहने का मतलब है कि अब जिस छात्रों को जरूरत होगी वो पठठ पठठ के सभी तीनों के भागों को लगा के एप्लीकेशन भरने का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बुद्धिजीवी कुलपति ऐसे विवेकशील कुलपति महोदय आप अगर आप में विवेक का गरिमा रखते हैं तो बताइए किसी भी फॉरम के लिए 3 एप्लीकेशन कहाँ से दिया जाता है। छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे ये जवाब मांगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए इन्होंने 3 महीने के अंदर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में अपने जातिगत राजनीति करते हुए एक कुलपति को जातिगत राजनीति जातिगत आधार पे पदों का बंदरबांट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ आंदोलन करेगा और अपने मन से SB कॉलेज को प्रचार्ज बनाए और 3-4 कॉलेजों का बल्सर बदले और जिसको जैसे नियुक्त करना होता है पदों पे ये नियुक्त करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है IMBC मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी क्या आप लोग मांग करते हैं? हमारा मांग एक ही है कि जल्द से जल्द पठठ का रिजल्ट प्रकाशित करे और अंक प्रमाण का सही दिशा निर्देश में सभी छात्रों के हाथ में पहुँचाए। तो क्या करेंगे आप लोग का? अगर नहीं होता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जब तक इनको कुर्सी से हटा नहीं देते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर आंदोलन करेगी और यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र हित में एकमात्र संकल्प है एकमात्र निर्णय है। परिचय बताइए। मैं अमित कुमार सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री सह बिरकुवर सिंह छात्र संघ अध्यक्ष। सरकार जहां एक तरफ खेल को और जहां ज्यादा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य कई कार्यक्रम चला रहे ताकि खिलाड़ी खेलों में भाग लेकर देश का नाम रोशन करें, वही दूसरी तरफ खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति बिरकुवर विश्वविद्यालय का रवैया सही नहीं रहने के विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि जो व्यक्ति जो खिलाड़ी छात्र गोल्ड मेडल प्राप्त किया है खेल में उसे न भेजकर सिल्वर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को भेजना कितना उचित होगा। विरोध में छात्रों ने जमकर विश्वविद्यालय में हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए। सर ये आपके VC सर भी जानते हैं इस बात को
और मैंने एक बार पहले भी सर इतने प्रिंसिपल से आज ही सारे कैटेगरी का अगर रोहतक में सारे कहाँ जानी है टीम रोहतक रोहतक में सारे कैटेगरी का टूर्नामेंट होगा सारे कैटेगरी में अगर लड़कियां हमारी एलिजिबल हैं ना तो सारे का लिस्ट मंगा लीजिए और कल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए एडवांस पे लगिए इनका टिकट कराइए आपकी जिम्मेदारी है इनको क्योंकि हम लोग मेरे पास हैंड नहीं हम अकेले हैं हमको हैंड का चीज कैसा हम है आपके हैंड बोलिए मैं आपका हैंड नहीं सर क्यों नहीं हम साहब नहीं है आप हमसे जो काम कराना है तो ये मैं कहां लेकर चलूंगा सर बताइए अकेले एक अधिकारी ये जो टीम है ना ये है हम है हम लोग ये कहे तो कि क्या काम है हमसे सर देखिए बोलिए क्या काम है सर देखिए ये कहे कि हमारी बोले कि क्या काम ये समस्या क्यों बनी उस दिन अंजुमन क्यों नहीं ये समस्या का समाधान हो गया ना नहीं कब तक हो जाएगा सारे लोगों को भेज देना है आप इसको साहब से अभी बात करिए सर लड़कियों का मेरी फोटो स्टेट पूछिए नहीं भाई सर आपके विश्वविद्यालय में और सरकारी कॉलेज के पीटीए उनको छोड़ के हम बिहार एसोसिएशन को प्लेयर को क्यों भेजेंगे भले हमारी टीम अच्छा नहीं करे नहीं जीते लेकिन हम भेजेंगे तो अपने व्यक्ति को ना जैसे कुलपति महोदय कहते हैं पैसा कमाएंगे तो अपने व्यक्ति को मैडम खाली एन को सुन रही है आवेदन कहाँ है आवेदन वहाँ 2019 के बाद फॉर्मल कर दीजिएगा और एन को स्मॉल कर दीजिए यही तीनों लोग नहीं नहीं उत्तरा के लोग फाइनल समाचारों में अभी और भी है आप देखते रहिए भोजपुर दर्शक आंख नहीं तो संसार नहीं आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल जहां उचित मूल्यों पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन आंखों के पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल डीएम कोठी रोड पीर बाबा मोड़ के पास आरा संपर्क नंबर है 06182248789 मोबाइल नंबर है 9065441442 शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा मैं तैनु समझा ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत इलेक्ट्रीशियन हीटर डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301
शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय, निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद बोल प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। इंटर की परीक्षा के दूसरे दिन भी जिला प्रशासन काफी ही कड़ी परीक्षा ली और विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नकल नहीं करने को लेकर काफी ही मुस्तैद रहे। जिला प्रशासन ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष इस परीक्षा को लिया जा सके। राधा जी स्वयं सहायता समूह शिव गुरु स्वयं सहायता समूह, माँ काली स्वयं सहायता समूह, शिव महिमा स्वयं सहायता समूह, आओ ना भाई एकत्र करके Thank you.
बैंक में चल रही है खाता में। राधा जी आइए, राधा जी राधा जी आइए ना, राधा जी के योजना राशि वगैरह सब होगा। आज आरा निगम में भी वितरण किया गया आपके द्वारा और नगर आयुक्त के द्वारा, बताया जाए गर्व हम मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पर बहुत गर्व है कि महिला के लिए जो महिला लकड़ी कोठा से खाना बनाती थी पहले, आज उन्हीं प्रधानमंत्री के आज देल है, उन्हीं को आज विकास बढ़ाए औरत तो महिला के लिए, घर घर सिलेंडर चूल्हा, कन्या कुआरी का पैसा, अटल बिहारी पेंशन का पैसा आज वही दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, हम बहुत बहुत उनको हम धन्यवाद करते हैं। तो निगम में आज जो वितरण हुआ आपको पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री को, पूरा प्रधानमंत्री का ये सब योजना है, बहुत बहुत महिला खुश है इनको योजना के लिए, प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामना देते हैं, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज नगर निगम में हुआ, पूरे बिहार में हुआ, और नगर निगम में अटल पेंशन योजना हुआ, कन्या विवाह सुरक्षा योजना हुआ, उज्ज्वल गैस हुआ, सब मोदी जी का देन है। अकाउंट वगैरह भी खोल, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत सराहनीय है। आज मेरे बगल में डिप्टी मेयर बैठी हुई है चाची, बिया चौरस्ता धरहरा के पास मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को ट्रक के से चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार यह व्यक्ति खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने आकर धक्का मारा, जिसके कारण एक महिला समेत दो व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूरा वीडियो बढ़िया से बना लो। वही में जता गई रहे बम्फर में, कैसे कैसे रामा से रेस्क्यू करके आदमी निकल रहा है।
फोटो मत करो तेल लगे का करे भर रहा है तो का करेगा छोड़ हट अब अभी कितने चोर लोगों को चोट लगी है महिला भी है हॉस्पिटल गया हरा भी गया लोग ड्राइवर को क्या किया आप लोग बंधक बनाए बंधक बना के रखे हैं कहाँ रखे हैं क्या नाम है आपका घर कहाँ है।